नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद। दाऊदनगर के जीवतिया उत्सव पर मगध संवाद की खास पेशकश। लोक संस्कृति का प्रतिनिधि दाऊदनगर का जीवतिया उत्सव। बिहार प्रदेश के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय में जीवतिया उत्सव खास रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर मगध संवाद की खास पेशकश। दाऊदनगर के जीतिया उत्सव पर सर्वण संस्कृति का वाहक दाऊदनगर किताब के लेखक व युवा पत्रकार उपेंद्र कश्यप के रिपोर्ट पर आधारित है। यूं तो जीवतिया या जीवित पुत्रिका व्रत पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में मनाया जाता है, किंतु बिहार के दाऊदनगर में इसका अलग स्वरूप और अंदाज है। यहाँ यह 9 दिवसीय लोकोत्सव है जो वर्ष 1860 से आयोजित हो रहा है। यह अकेला ऐसा पर्व है जो लोक संस्कृति की संपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बने शब्द फोकलोर, जिसे लोकायन या लोकयान भी कहते हैं, के सभी 4 तत्वों की एक साथ प्रचुरता में प्रस्तुति देखने का अवसर हर वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष में उपलब्ध कराया जाता है। यह पर्व आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। लोक और संस्कृति के व्यापक अभिव्यक्ति के लिए शब्द है लोकयान या फोकलोर। नृत्य शास्त्री लोकयान के अंतर्गत 4 खंड बताए जाते हैं, लोक साहित्य, लोक व्यवहार, लोक कला व कलात्मक लोकयान और 4था लोक विज्ञान व औद्योगिकी है। जीवतिया लोक संस्कृति में इन चारों की उपस्थिति प्रचुरता के साथ है। ऐसा बिहार की अन्य संस्कृतियों के साथ नहीं है। बिहार का अपना मौलिक समृद्ध व मौखिक कुछ लिखित लोक साहित्य है। इसमें लोक जीवन का सुख दुख, हर्ष उल्लास का अनुभव तथा जीवन पर वैचारिक प्रतिक्रियाएं मिलती है। पर्व त्योहारों का, देवी देवताओं का तथा प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण मिलता है। साहित्य वाचन परंपरा में झूमर, लाकनी, मुहावरे व वीरता के गीत के रूप में भी जीवित है। चक्रदम्मा, झूमर, विविधता, रंगीनियत और मधुरता होती है। सरस गीत है जिसमें स्थानीय इतिहास, भूगोल और विशेषताओं को भी पर्याप्त जगह मिली है। लोक व्यवहार न तो साहित्य है न ही कला। इसमें विश्वास, प्रथा, अंधविश्वास, कर्मकांड, लोकोत्सव और पारिपाटी शामिल है। यहाँ का समाज इससे गहरे जुड़ाव रखता है। जीवतिया के जीव के समान जुड़ी जमात में यह कुट कुट कर भरा हुआ है। लोक कला या कलात्मक लोकयान में लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक नाटन, लोक चित्र, लोक दस्तकारी, लोक वेशभूषा व लोक अलंकार शामिल है। यहाँ की मिट्टी के कनकन में कला है जो हर शख्स कलाकार। उर्वरता इतनी है कि जीवतिया समारोह में सब कलाकार बन जाते हैं। यह अप्रशिक्षित लोक कलाकार मंझे हुए प्रशिक्षित व प्रोफेशनल कलाकारों को भी चुनौती देते दिखते हैं। बच्चे ही कलाकार, निर्देशक, पटकथा लेखक, स्त्री पुरुष पात्र सब हैं। 4था और अंतिम समावेश लोक विज्ञान व प्रौद्योगिकी का है, जिसमें लोक प्रचार, लोकोक्तियाँ, लोक नुस्खे, लोक भोजन खाद्य, लोक कृषि रुधियाँ और जादू टोने शामिल है। यहाँ सब जब लोक कलाकार अपनी खतरनाक प्रस्तुति देते हैं तो उसमें नुस्खे और लोकोक्तियों की उपयोगिता होती है। लोक उत्सव का पर्व दाऊदनगर का जीतिया नकल पर्व के रूप में मनाया जाता है। जीतिया प्रभात खबर के युवा पत्रकार ओम प्रकाश गुप्ता के खास रिपोर्ट पर आधारित। जीतिया पर्व भारत के विभिन्न प्रांतों में मनाया जाता है, किंतु औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर शहर में जीतिया मनाने का विशिष्ट ढंग है जो काफ़ी मशहूर है। यहां इसे नकल पर्व के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे देखने के लिए झारखंड, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर समेत विभिन्न राज्यों तक से लोग सपरिवार आते हैं। यही कारण है कि बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले का यह अनुमंडलीय शहर दाऊदनगर अपनी विशिष्ट संस्कृति पहचान रखता है। लोक पर्व जीवन को उत्साहित, आनंदित और सांस्कृतिक करते हैं। लोक पर्व में विविधता और विशिष्टता होती है। लोक पर्व से किसी देश, किसी प्रांत, किसी क्षेत्र, किसी शहर, किसी गांव का विशेष पहचान बनती है। जीवतिया पर्व के अवसर पर दाऊदनगर शहर करीब 1 सप्ताह तक हंसी मजाक, व्यंग, विनोद, गीत संगीत, नृत्य नाच, रहस्य रोमांच व साहसिक कारनामे करने दिखाने में लिप्त रहता है। दाऊदनगर में जीवतिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत को बड़े ही धूमधाम और रंगारंग रूप में मनाया जाता है। नकल बनने के लिए बच्चे, युवा, अधेड़,
बुड्ढे सभी उम्र के पुरुषों में होड़ लगी रहती है। नकल बनने वाले कलाकार साहसिक कारनामे, मुड़ी कटवा, डाकनी, चाकूधारी, तलवाधारी, त्रिशूलधारी, लालदेव, कालादेव आदि दिखलाते हैं। विशेष बात यह है कि नकल के माध्यम से समसामयिक घटनाओं और सामाजिक कुरीतियों पर करारा व्यंग प्रहार किया जाता है। नकल बनकर सरकारी तंत्र की जमकर पोल खोली जाती है। विभिन्न प्रकार की झांकियां भी निकाली जाती है। स्थानीय लोक कलाकार नकलों की प्रस्तुति कर अपनी लोक कला का प्रदर्शन करते हैं। खासकर 3 दिनों तक तो नकलों की भरमार रहती है। दैनिक जागरण के युवा पत्रकार संतोष अमन के अनुसार जीवतिया जीवित पत्रिका व्रत आश्विन महीने के सितंबर अक्टूबर में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसका विशेष वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। इस पर्व में माता अपने पुत्र के चिरंजीवी होने की कामना करती है। इसलिए जब कोई पुत्र किसी बड़े संकट से बच जाता है तो लोकोक्ति के रूप में कहते हैं, खैर मनाओ कि तुम्हारी माँ ने जीतिया की थी सो तुम बच गए। यह पर्व 3 दिनों का होता है। एक दिन नहाए खाए यानी सप्तमी को माताएं स्नान करके खाना बनाती है, अष्टमी को उपवास रखकर शाम में पूजा करती है और नौमी को सुबह में उपवास तोड़कर पारण कर लेती है। दाऊदनगर की खासियत यह है कि यहाँ इस पर्व का आरंभ अनंत पूजा के दिन दूसरे यानी 8-9 दिन पहले से ही हो जाता है। जितिया में भगवान जीमुत वाहन की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए दाऊदनगर में 4 चौक बने हुए हैं, पुराना शहर चौक, कसेरा टोली चौक, पटवा टोली चौक और बाजार चौक पर जीमुत वाहन भगवान स्थापित हैं। अनंत पूजा के दूसरे दिन शाम में डमरू के आकार का लकड़ी या पीतल धातु का बना बड़ा सा ओखल चारों चौकों पर रखकर जीवतिया पर्व का विधिवत आरंभ कर दिया जाता है। इसी दिन से प्रतिदिन शाम को अंधेरा होते ही चौक के पास पुरुष और बच्चे जमा होते हैं और ढोलक की थाप पर तालियां बजा बजा कर झूमर गाते हैं। इसे चक्करदम्बा कहा जाता है। इन चौकों पर जीवतिया पर्व के दिन महिलाएं पहुंचकर भगवान जीमुत वाहन की पूजा अर्चना करती है और अपने संतान के दीर्घायु होने की कामना करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण महान लोक पर्व जीवतिया में निकाले जाने वाले नकलों को बढ़ावा देने के भरपूर प्रयास स्थानीय कुछ संगठनों द्वारा नकल अभिनय प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। दाऊदनगर की जीवतिया को राजकीय दर्जा देने की मांग भी उठने लगी है। वर्ष 2016 में जब दाऊदनगर नगर पंचायत अब नगर परिषद द्वारा जीवतिया लोकोत्सव का आयोजन किया गया था तो इसके उत्थान के प्रति एक नई उम्मीद जगी थी, लेकिन इसके बाद नगर पंचायत स्तर से यह लोकोत्सव नहीं कराया जा सका है। बताते चले कि दाऊदनगर का जीवतिया उत्सव काफ़ी खास होता है और इस उत्सव में काफ़ी लोग यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं और जीतिया पर्व को मनाते हैं और जीतिया में नकल स्वरूप अभिनय को भी देखकर आनंदित होते हैं। यह बिहार में खास उत्सव के रूप में दाऊदनगर में मनाया जाता है। दाऊदनगर का जीतिया उत्सव काफ़ी खास होता है और देखने लायक होता है। अगर आप अब तक औरंगाबाद जिले के और दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय का जीतिया नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देखें। मगध संवाद की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।